बताया साहब। झूठ बोलते हैं जज सर, सारे तुम भी बिक गए। सर सारे गवाह हॉस्टाइल किए गए। इसका फैसला कोर्ट करेगी मिस्टर सिन्हा, आप बैठ जाइए। गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ये आदेश देती है कि अगली सुनवाई से पहले काशी की दिमागी हालत की जांच कराई जाए। एंड फॉर नाउ द कोर्ट इज adjourned। आप आए हमें पागल साबित करने? नहीं, मैं तो ये साबित करने आया हूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। किसी की बातों पे भरोसा नहीं होता साहब। लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि तुम जानते हो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे बचने का। हम पागल नहीं है साहब, गरीब है, और ये लोग हर गवाह को खरीद के हमें पागल साबित करना चाहते हैं। जानता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, सारा सच सामने आ जाएगा। आप भी उन्हीं के आदमी निकलेंगे। मैं बिकाऊ नहीं हूं काशी, इट्स माय जॉब। तो शुरू करें? जी सर। तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? जज साहब, मैंने काशी से अकेले में बात की उसे कॉन्फिडेंस में लेकर, लेकिन जो नतीजे मेरे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, इजाजत है। थैंक यू सर। अच्छा काशी, मुझे एक बात बताओ, घर में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? हम खुद ही बनाते अपना खाना। क्यों? बुढ़िया के हाथ का खाना हमें जमता नहीं है, मिर्चाई झोंक देती है। तो तुम्हारी बहन है, खाना वो भी बना सकती है। कॉलेज और ट्यूशन से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? दिन भर हमको गरियाते रहते हैं। क्यों, क्या तुम्हारे बाबा अब शमशान घाट में काम नहीं करते? बुढ़ापे में बाबा से काम करवाएंगे का? गरीब है, नालायक नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? जानती हूं हमारी, लेकिन लेकिन हम उसे संभालो अपने आप को। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन तुम्हें राखी तो बांधती होगी? पहले बांधती थी, बाद में हम खुद ही बनवाना छोड़ दिए। क्यों? एक साल उससे राखी पे बड़ा झगड़ा हो गया, मां कसम खाई कि राखी नहीं बनवाई, और फिर हम कसम नहीं तोड़ पाए। अच्छा अच्छा तुम जब घर आते हो तुम्हारे लिए दरवाजा कौन खोलता है? खुला ही रहता है दरवाजा, डोम के घर से कौन खा ले जाएगा मालिक। जब भी घर आते हो कभी भी, तो तुम्हें पानी कौन ला कर देता है? तुम्हारी बहन गंगा या फिर तुम्हारी माँ? घर की महिलाओं के हाथ से पानी नहीं पीते हम। यह पॉइंट नोट किया जाए, और काशी की जिंदगी में ये जो भी लोग हैं, जैसे इसके माता पिता, इसकी बहन गंगा, दरअसल ये लोग हैं ही नहीं। अरे चुप रहो भाई, उनकी सुनने तो दो। है ही नहीं मतलब? सर मैंने काशी से अब तक जितने भी सवाल किए उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि काशी जिन लोगों को भी देखता है वो लोग इसकी जिंदगी में कोई एक्टिव काम करते ही नहीं, जैसे कि खाना ये खुद बनाता है, पानी ये खुद पीता है, जब भी ये घर आता है दरवाजा इसके लिए कोई नहीं खोलता, लेकिन जो भी पैसिव काम होते हैं उसमें ये सारे किरदार इन्वॉल्व होते हैं, जैसे झगड़ा करना, बहस करना। काशी ने अपने इर्द गिर्द एक काल्पनिक दुनिया बना रखी, काल्पनिक किरदार जिसके साथ ये बड़ा हुआ और अब शायद बूढ़ा भी हो जाएगा। दरअसल जज साहब, ये काशी के हेलुसिनेशन। साले तुम भी बिक गए ना बलवंत के हाथों, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।
काशी ऑब्जेक्शन साइलेंट। ये गलत गवाही दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मनोचिकित्सक नहीं है, खुद एक मानसिक रोगी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाइए आप बैठ जाइए मिस्टर बलवंत, आप भी बैठ जाइए। हाँ बोलिए, प्लीज कंटिन्यू योर ऑनर। ये सीरियस केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसे पैरानोइड साइकोसिस कहते हैं। इस डिजीज के एक्सट्रीम में इंसान इतना वायलेंट हो जाता है कि अगर उसकी काल्पनिक दुनिया में कोई भी हस्तक्षेप हो तो वो किसी को कुछ भी कर सकता है, और शायद इसीलिए इसने अभिमन्यु की भी जान ली। योर ऑनर, अदालत को और कितने गवाह चाहिए? हो तो गया, अब फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। ये एक साइको किलर है और इसकी सजा फांसी। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि काशी ने ही अभिमन्यु का मर्डर किया है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कितने पैसे दिए बलवंत? हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, इट्स माय जॉब। काशी, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? हाँ, हमने ही मारा अभिमन्यु को, छत से फेंक दिया साले को, क्योंकि उसने हमारी बहन के साथ गलत किया था। लेकिन हमसे चूक हो गई जज साहब, हमको लगा कि हमारी बहन का गुनहगार अभिमन्यु है, लेकिन हमारी बहन को तो बलवंत ने मारा है। काशी भैया, गंगा आई थी उस दिन बलवंत साहब से मिलने, उन्होंने ही बुलाया था, हम तो बाहर ही खड़े थे। अंदर से जोर जोर से चिखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, फिर हमने देखा कि बलवंत साहब ने उसे बालकोनी से धक्का दे दिया, फिर लाश ठिकाने लगा दिया। हमें तो लगा कि उसकी इज्जत भी लूट ली थी। बड़ा कमीना आदमी है बलवंत। काशी भैया, ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि हमने आपको ये बात बताई है, नहीं तो बलवंत हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। साला, पहले मेरे बेटे को मारा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं, सच बता रहे। और जब तक तुमको मारेंगे नहीं ना, तब तक हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। तू हमको मारेगा साला पागल, तेरी इतनी जुर्रत। अच्छा हुआ कि तेरी बहन नहीं है, अगर होती तो उसे ऐसी मौत देता कि दुनिया देखती तमाशा। ए बलवंत! अरे पुलिस, रोको इसे! अरे रोको इसे! ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर!